सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन ब्लॉग में आपका अगेन स्वागत है। सो आज हम कर रहे हैं वाटरप्रूफ बिल्कुल मेकअप है। जैसे एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे लाइव रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। मैं टीशर्ट से ट्राई करूँगी कि मेरा मेकअप निकल रहा है नहीं निकल रहा है। एज यू कैन सी गाइज, बिल्कुल भी इसमें 1% में मेकअप जो था बिल्कुल भी नहीं निकल के आया, आप देख सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखने तो सो गाइज, अभी आपको जब मैं पूरा मेकअप दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने मेकअप किया है। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के लिए यहाँ पे बायोटिक का टोनर, जो आपके फेस पे सूटेबल होता है वो टोनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले टिश्यू पेपर से मैंने पहले अपना पूरा फेस क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं अपना टोनर यूज़ करूँगी। देन टोनर यूज़ करने के बाद मैं अच्छे से इसको डैप डैप करके पूरे स्किन में एब्जॉर्ब कर लूँगी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर लैक्मे का। एंड प्राइमर यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से मैं अपने फेस पे पूरा अच्छे से सेट कर लूँगी। देन उसके बाद आईज़, जो अपना फोरहेड एरिया पूरा हमने अच्छे से कर लिया। देन उसके बाद अब मैं अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिल करने के बाद जो यहाँ पे मैंने अपना यूज़ किया है आईब्रो जेल एंड ब्रश, जो था मेरा गुम हो गया था तो उसमें मैंने अपना ये वाला ब्रश यूज़ किया है। एंड आईब्रो पूरा फिल करने के बाद, इसको सेट करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अपना थोड़ा सा कंसीलर वगैरह यूज़ करेंगे इसको अच्छे से शेप देने के लिए। एंड मैंने इसको अच्छे से शेप दे दिया, जैसे कि नीचे का है एरिया एंड उसके बाद ऊपर से। एंड इसको अब मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के स्टेप हेल्प से। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का। एंड जो मेरा शेड था मैंने वो लिया है। एंड जो कि पता गाइज, मेरे को ये वाला, जैसे कि ये वाला हैक करने बड़ा मज़ा आता है, ब्रश से ऐसे पूरा फाउंडेशन पर लगाना फेस पे, देन उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना। एंड गाइज, आपको कौन सा पसंद है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, आप कैसे फाउंडेशन यूज़ करते हो। एंड यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से पूरे फेस पे कवर अप कर लिया है। देन कवर अप करने के बाद अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से मिलाऊंगी, ठीक है। एंड इसको हमने पूरे अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने पूरे फेस के एरिया को। देन अब मैं इसको अपने आई, जो है मतलब मेरा आईज़ है, उसको मैं कंसील करूँगी। मैं आईज़, क्योंकि कंसीलर करना इसलिए ज़रूरी होता है, जो हमारा नेचुरल जो कलर्स होते हैं ना शेड्स के, वो अच्छे से उभर के आए, वरना फिर प्रॉब्लम होती है। जब हमारे जो अच्छे से शेड्स नहीं आते तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एंड बाद में ब्लैक पड़ जाता है हमारा आई शेडो, मिक्स हो जाता है, ग्लिटर ख़राब हो जाता है। देन मैंने यहाँ पर कंसीलर यूज़ करने के बाद मैं इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से। एंड आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या फिर बनाना केक भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइज, उसके बाद अपने यहाँ पे आई शेडो यूज़ करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो आई शेडो यूज़ किया है लाइट ब्राउन, एंड ब्राउन यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी पूरी आईज़ पे अपने। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बीच में अपने गोल्डन एरिया, मतलब गोल्डन आई शेडो यूज़ कर रही हूँ अपने आई बॉल्स के जो बीच एरिया वाले हैं। यहाँ पे मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, शिमर आई शेडो आप बोल सकते हो, ग्लिटर तो नहीं। एंड देन इसको अच्छे से मर्ज करेंगे कि हाँ दोनों अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो कुछ भी ओवर नहीं लगेगा। देन उसके बाद मैं आउटर कॉर्नर पर अपने डार्क ब्राउन थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, जो हमारा शेड है थोड़ा सा और अच्छे से उभर के आए। एंड गाइस, अब अपने सेकंड आईज मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एंड इसके बाद मैं अपने जो वाटर लाइन है ना, यहाँ पे मैं अच्छे से इसको कलर अपना दूंगी। मैंने यहाँ पे लिया है शिमर का ब्लू कलर। एंड यहाँ पे इसके बाद मैं जो अपना इनर कॉर्नर है जो वाटर लाइन पे, वहाँ पे मैं अपने वाइट जो शेड्स होते हैं उसको थोड़ा कर रही हूँ, ताकि जो हमारी आईज़ वो बहुत ज़्यादा निखर के है। एंड आईब्रोज के जो नीचे वाला जो एरिया होता है उस पर भी मैंने अपना वाइट वाइट वाला शिमर यूज़ किया है। आप चाहे तो हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड एज यू कैन सी, हमारा मेकअप पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। देन गाइस, अब हम इसमें करेंगे जो अपना ब्रॉन्ज करेंगे, अपना कंटोरिंग करेंगे। देन कंटोरिंग करेंगे, कंटोरिंग करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लाइक फेस पे कुछ भी ज़्यादा एब्जॉर्ब, मतलब वो ना दिखे हैवी हैवी सा, हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देन उसके बाद हम करेंगे जैसे केक पाउडर, आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट यूज़ किया अपना कट फेस देने के लिए। यहाँ पर मैंने फेस को जैसे कि थोड़ा सा निखार। एंड ये हमारा ये वाला भी स्टेप ख़त्म हो चुका है। एंड गाइज, अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर, ये सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है, लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है हाईलाइटिंग करना। एंड ये मैं यहाँ पे अपने चिक्स पे हाईलाइट कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड देख सकते हैं मेरी खुशी कितनी ज़्यादा है।
सिक्स पे जो मेरा सिक्स बिल्कुल रेडेड हो रहे हैं. सो गाइज नाउ आई एम रेडी एंड अब जो फाइनल स्टेप है वो है मेकअप फिक्सर का. यहाँ पे मैं लैक्मे का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे मेकअप को फिक्स करने के लिए. एंड गाइज को ड्राई करेंगे एंड ड्राई करने के बाद जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर होगा इससे हम थोड़ा सा इसको सेट कर देंगे. जो हमारा मेकअप है बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लगेगा एंड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा. सो बाय गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करना. एंड गाइज कंचन ब्लॉग में ऐसे बने रहना, आपको हमेशा न्यू वीडियो के साथ में आऊँगी एंड अगेन दोबारा मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ. सो बाय.